नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज 24 और हम दिखा रहे हैं आजमगढ़ महाराजगंज से विशेष रिपोर्ट। बता दें कि थाना प्रभारी ने होली को लेकर बैठक का आयोजन किया है, जिसमें होलिका दहन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। इस बैठक में थाना क्षेत्र में होलिका दहन के लिए चिन्हित कुल 101 स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। थाना प्रभारी राजीव कुमार मिश्र ने होली के दिन नगर पंचायत महाराजगंज में आयोजित होने वाले दही हांडी के टोलियों के साथ भी बैठक कर शांतिपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित करने का अपील किया तथा सरकारी दिशा निर्देश के अनुरूप होली मनाने के लिए कहा। इसी क्रम में थाना प्रभारी ने स्थानीय थाने की पुलिस बल के साथ बैठक की तथा ड्यूटी चार्ट के अनुसार अपने क्षेत्र में तैनात रहने के लिए तथा शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार संपन्न कराने का दिशा निर्देश दिया। थाना प्रभारी ने थाना क्षेत्र के लोगों को शांति और सद्भावपूर्ण त्यौहार मनाने के लिए अपील किया, साथ में चेतावनी भी दी। उद्यमता करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए दिखाते हैं आजमगढ़ महाराजगंज से स्पेशल रिपोर्ट बजरंगी विश्वकर्मा की।